तो हे गाइस, वेलकम टू अनबॉक्स चैनल एंड बैक विद माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 7 प्रो के बारे में। एंड ये जो स्मार्टफोन होने वाला है, रेडमी नोट 7 का सक्सेसर होने वाला है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन में आपको बहुत चीज इंप्रूव देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसिंग पावर होगा वो रेडमी नोट 7 से बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 7 प्रो के प्राइस के बारे में, डिजाइन के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड इसके अप्रोक्सीमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में। So, hey folks, this is Chayan and I'm back with my another video. So, let's get started. तो अब बात करूं Redmi Note 7 Pro के डिजाइन के बारे में। डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिमिलर होगा Redmi Note 7 जैसा। बैक साइड में आपको ग्लास फिनिशिंग देखने को मिलेगा। ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन में स्मार्टफोन लॉन्च होगा एंड उसके साथ बैक साइड में आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा एंड एक फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की बात करो तो फ्रंट साइड में आपको वाटर डॉप टाइप टाइनी लिटिल नॉच सेटअप देखने को मिलेगा एंड बेजल चेंज जो होगा बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो डिजाइन आपको बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल एंड बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगा। एंड उसके साथ ये जो स्मार्टफोन होगा IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट होगा। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से जो स्मार्टफोन होने वाला है बहुत ही ज्यादा हेवी होने वाला है। तो अब बात करूं Redmi Note 7 Pro के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा 6.3 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पैनल, जिसके अंदर आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा 2340x1080 पिक्सल, जिसका क्वालिटी एंड क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा बेटर आएगा, जिसके अंदर कलर रिप्रोडक्शन, कलर सैचुरेशन और साइड व्यू एंगल जो होगा बहुत ही ज्यादा मस्त देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ डिस्प्ले में कम बेजल होने की वजह से जो क्वालिटी एंड फील आएगा बहुत ही ज्यादा हेवी आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आप किसी भी मूवीज, किसी भी वीडियो गेम को बहुत ही आराम से इंजॉय कर पाओगे इस फुल व्यू डिस्प्ले के अंदर। तो अब बात करूं Redmi Note 7 Pro के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 675 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर प्रोसेसर है, जिसके हेल्प से आप किसी भी मूवीज को आराम से एंजॉय कर पाओगे, कोई भी लैग इशू देखने को नहीं मिलेगा, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस आप बहुत ही आराम से ले पाओगे, किसी भी ऐप को बहुत ही आराम से ओपन कर पाओगे, यानी कि आपको बहुत ही फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के ऊपर। एंड उसके साथ किसी भी हाई ग्राफिक्स गेम जैसे कि पबजी हो गया, एस्पन लाइन हो गया, आप बहुत ही आराम से यानी कि स्मूथली रन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो GPU देखने को मिलता है वो है Adreno 612 का GPU। तो आप किसी भी गेम को बहुत ही आराम से इंजॉय कर पाओगे, इवन गेम खेलने के टाइम यह स्मार्टफोन हीट भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ना 11 नैनोमीटर प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है, तो बहुत ही कम हीट होगा इस स्मार्टफोन। तो अब बात करो स्मार्टफोन के रैम वेरिएंट के बारे में। तो यहाँ पर जो बेस वेरिएंट होने वाले होने वाले 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, सेकंड वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, एंड थर्ड वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा जो कि होने वाला है लास्ट वेरिएंट, वो होने वाले 6GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज। तो इस स्मार्टफोन के ऊपर जो प्रोसेसिंग पावर होगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा एंड सारा जो रैम वेरिएंट होगा वो सभी कुछ LPDDR4X रैम है, तो बहुत ही स्पीड आपको इस स्मार्टफोन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अब बात करें स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर होने वाले 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, जिसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा सोनी IMX586 का एक सेंसर, जिसके हेल्प से आप किसी भी इमेज को बहुत ही आराम से कैप्चर कर पाओगे एंड डिटेलिंग वाला जो फील होगा बहुत ही परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है ये बेसिकली डिपेंड करेगा डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर रहेगा बजट सेगमेंट के हिसाब से। एंड 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड आप बहुत ही आराम से कैप्चर कर पाओगे एंड उसके साथ आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड, AI पोर्ट्रेट मोड, AI जूमिंग इफेक्ट वगैरह सभी कुछ फीचर देखने को मिलेगा। एंड बैक कैमरा में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी आपको 30 FPS पर देखने को मिलेगा। तो कैमरा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेटर आएगा, बहुत ही मस्त आएगा। उसके साथ कैमरा एप्लीकेशन में आपको EIS फीचर देखने को मिलेगा, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी आपको इस कैमरा में देखने को मिलेगा। तो अब बात करूं Redmi Note 7 Pro के फ्रंट कैमरा के बारे में। तो फ्रंट में आपको क्या सेंसर देखने को मिलेगा उसका कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है, बट मुझे लगता है इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 24 मेगापिक्सल के मेन सेंसर, जिसके साथ आपको AI ब्यूटिफिकेशन मोड देखने को मिलेगा, AI पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा एंड उसके साथ जो कैमरा का क्वालिटी होगा बहुत ही ज्यादा बेटर आएगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा MIUI 10, जिसके अंदर आपको जो कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा, तो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो अब बात करूं Redmi Note 7 Pro के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9.0, यानी कि आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलेगा। एंड कस्टम AI की बात करो तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा MIUI 10, जो कि प्रोवाइड करेगा आपको फ्रेश एंड क्लीन इंटरफेस। तो इस स्मार्टफोन में आप बहुत ही आराम से किसी भी ऐप को ओपन कर पाओगे, कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा इस कस्टम AI के अंदर, तो बहुत ही स्मूथ इंटरफेस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा।
तो अब बात करूं बैटरी के बारे में, तो Redmi Note 7 Pro के अंदर आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh की एक ह्यूज बैटरी, एंड उसके साथ आपको Qualcomm Quick Charge 4 Plus टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से आप 0 to 100% चार्ज बहुत ही आराम से कर पाओगे। तो अब बात करूं Redmi Note 7 Pro के प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इसके जो प्राइस होने वाला आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 10,000 के अंदर, एंड लॉन्चिंग डेट की बात करूं तो ये जो स्मार्टफोन होने वाला आपको मार्च के अंदर देखने को मिलेगा। तो यही है कुछ लीक्स एंड रूमर्स Redmi Note 7 Pro के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। आपने इस चैनल पे पहली बार आए हो तो जाकर सब्सक्राइब मारा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, एंड उससे पहले हमने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया जो कि फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।